लड्डू बनाना है। और इसमें बादाम और अंजीर है जो कि मैंने रात में भिगोया हुआ था इसको, और ये साथ में दूध है। खजूर मिक्स कर सकते हैं, चिया सीड्स, पम्पकिन सीड, ये सारी चीज़ें आप डाल के मिक्स कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा शेक बनेगा, बट वो काफ़ी हैवी हो जाता है। और मुझे गेनिंग भी करनी है अब, क्योंकि मेरा वेट जो है वो 65 केजी है। 80 केजी तक आसपास इसको लेके जाना है। हाँ जी भाइयों, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है सबके। नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज है नाग पंचमी, और नाग पंचमी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और ऐसे ही आप अपने जीवन में खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो पहले हम दवा खा लेते हैं जो हमें सुबह खाली पेट खानी रहती है। अभी तक हमने नहाया नहीं है क्योंकि अभी हमें बाल कटवाने जाना है। लो गाइस, हलवा खा लो। फटाफट से हलवा खाते हैं फिर निकलते हैं। कमरे की हालत देख लो, ये देखो। एसी वन आज खराब हो गया था ना, तो एसी आज बनने के लिए आया हुआ था। तो यहाँ का जितना भी सारा सामान है ये यहाँ पे एकदम फैला हुआ है घर में। वो कह रहा था बाल अभी छोटा है, तो इस वजह से वैसे हिसाब से बाल नहीं कट पाया, लेकिन तब भी ठीक है। अब धीरे धीरे ऐसे बड़ा होगा, क्योंकि बाल मेरा बहुत ज़्यादा टूट रहा था और 4-5 बार हमने बाल छिलवाया हुआ था। बहुत ज़्यादा टूट रहा था, ऐसे छूने पर पूरा बाल ऐसे हाथ में आ जा रहा था। सोच रहे थे आदिवासी का हेयर ऑयल ले लें, वो ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन हमें लगता नहीं है कि ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ की। अभी तो बारिश तेज हो रही थी, अब थोड़ी सी धीरे हो गई है। ये देखिए आप लोग, मैं जिम जाने से पहले क्या लेता हूँ वो मैं आज आपको बताऊंगा। और बहुत ज़्यादा हैवी मील नहीं लेता हूँ, 1 घंटे पहले कोई लेता हूँ, और उसमें बनाना शेक वगैरह रहता है, तो काफ़ी हेल्प करता है गेनिंग में। और मुझे गेनिंग भी करनी है अब, क्योंकि मेरा वेट जो है वो 65 केजी है। 80 केजी तक आसपास इसको लेके जाना है और एक अच्छी गेनिंग करनी है, तो बनाना शेक तो पीना ही पड़ेगा ना। तो गाइज, मैं ज़्यादा कुछ तो मिक्स करता नहीं हूँ। ये 2 बनाना है और इसमें बादाम और अंजीर है जो कि मैंने रात में भिगोया हुआ था इसको, और ये साथ में दूध है। इसको मिक्स करते हैं अब। तो ये देखो, अभी हमने मिक्सी लगा दिया है। अब इसमें हम डालेंगे ये भिगोया हुआ, ये सारी चीज़ इसमें पड़ेगी। इसमें जाएगा, इसमें 2 अंजीर, ये सारे बादाम। कोई बहुत ज़्यादा बादाम नहीं लेता, 10-12 बादाम। और ये पानी भी फेंकना मत भाई, अगर आप लोग भी ऐसे करते हो तो ये पानी फेंकना मत, इसको पी लिया करो। इसमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन होते हैं। हमने इसको बारीक पीस लिया है ना, अब इसमें हम ये डालेंगे बनाना। अब इसमें डलेगा दूध। आप इसमें और भी चीज़ें मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि छुहारा हुआ, या फिर जैसे हमने अंजीर मिक्स किया है, आप खजूर मिक्स कर सकते हैं, चिया सीड्स, पम्पकिन सीड, ये सारी चीज़ें आप डाल के मिक्स कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा शेक बनेगा, बट वो काफ़ी हैवी हो जाता है। आप भी ऐसे बना के पी सकते हो अगर आपको वेट गेन करना है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर आप सुबह शाम 2 टाइम पीते हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए। तो ये तो मैं सुबह शाम पीता हूँ, अब ये जिम जाने से पहले मैं पी रहा हूँ। बजरंगबली। लॉक कर दिया जाएगा। व्हाट? तो चेहरा बंद हो गया। बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है। Solve all the clues। इन लोगों को क्या हो गया? दोस्तों तो गाइस वर्कआउट हो चुका था ख़त्म और हम आ चुके हैं घर। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।